नमस्ते दोस्तों, दिस इज ऋषिकेश ताकवाडे फ्रॉम सेवन मीडिया पैलेस एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी इज व्हेन लार्ज पोर्शन ऑफ एन पॉपुलेशन बिकम्स इम्यून टू एनी डिसीज। तो हर्ड इम्यूनिटी काम कैसे करती है? जब एक वायरस एक बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है तो वो लोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम की मदद से एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं जो कि उनको इम्यून बनाती है उस डिसीज से। मतलब एक बहुत बड़े नंबर में होने के कारण एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी सिस्टम तैयार हो जाता है, मतलब वो कंट्रोल करता है वायरस के स्प्रेड को। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम काम कैसे करती है, वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं, वैक्सीन्स कैसे बनाते हैं और क्या वैक्सीन सेफ है, तो आप अभी जाके आई बटन में वो वीडियो देखिए और बाद में इस वीडियो पे वापस आइए। तो बैक टू द वीडियो, हर्ड इम्यूनिटी अचीव कैसे करते हैं? हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के दो रास्ते हैं, एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा नेचुरल इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन में जब एनी डिसीज पर वैक्सीन बनती है तो वैक्सीनेशन प्रोसेस के वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है और नेचुरली हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। इन नेचुरल इन्फेक्शन जब पीपल एक्चुअल इन्फेक्ट होते हैं वायरस से, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज तैयार करती है तो वो उस डिसीज से इम्यून बन जाते हैं फॉर फ्यूचर इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग 1918 फ्लू इन्फ्लुएंजा बहुत सारे लोगों को इस वायरस ने अफेक्ट किया था, पर उनके इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होने के कारण ड्यूरिंग 2009-10 द स्वाइन फ्लू H1N1 फ्लू दे बिकम इम्यून टू दैट डिसीज। दैट्स हाउ द हर्ड इम्यूनिटी वर्क्स। तो क्या हर्ड इम्यूनिटी सॉल्यूशन है हर टाइप के डिसीज पर? नहीं, हर्ड इम्यूनिटी डिसीज टू डिसीज डिपेंड करती है। एक प्रोपोर्शन होता है जिसे हम थ्रेशोल्ड प्रोपोर्शन कहते हैं, जो एक नंबर होता है, जो एक परसेंटेज होता है कि हाँ कितने लोगों को ये डिसीज होना चाहिए या फिर कितने लोगों को इम्यूनिटी डेवलप करनी चाहिए उस डिसीज के स्प्रेड को रोकने के लिए, उसे हम थ्रेशोल्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड प्रोपोर्शन से ज़्यादा लोग इम्यून हो जाए तो वो डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इन सर्टेन डिसीजेस ये नंबर थ्रेशोल्ड प्रोपोर्शन तक नहीं पहुंच पाता तो उस डिसीज के स्प्रेड को रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। टॉकिंग अबाउट COVID-19, साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हर्ड इम्यूनिटी सॉल्यूशन है COVID-19 के ऊपर, पर ये सामने आया कि अगर आपको COVID-19 हो जाता है और अगर आपको आप रिकवर हो जाते हैं उससे और अगर आपको फिर से COVID-19 इन्फेक्ट होता है तो आपके चांसेस है कि वो डिसीज आपको हो जाए फिर से, मतलब COVID-19 रिकरिंग डिसीज भी कह सकते हैं हम उसे। तो आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के ऊपर। तो फर्स्ट टाइप इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में बीकन जर्म्स यूज करते हैं, इसके वजह से वो बेटर रिजेंबल्स करते हैं एक्चुअल जर्म्स को। एज अ रिजल्ट ये वैक्सीन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इसके एक और दो डोज ही आपको लाइफ टाइम की प्रोटेक्शन देते हैं। सेकेंड टाइप इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसमें किल जर्म्स यूज करते हैं जो कि मरे हुए जर्म्स होते हैं, तो ये भी इफेक्टिव साबित होते हैं पर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से ये कम लास्ट करते हैं। थर्ड टाइप इज सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। इस वैक्सीन में स्पेसिफिक पीसेस ऑफ जर्म्स यूज किए जाते हैं, मतलब एक जर्म के स्पेसिफिक पार्ट्स को यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स, शुगर्स, कैप्सीड जो कि जर्म का केसिंग होता है। ये वैक्सीन किसी पर भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वीक इम्यूनिटी लो है या स्ट्रांग है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन लॉन्ग टर्म है पर उसको हम कैंसर पेशेंट्स या फिर लॉन्ग टर्म डिसीज जिनमें था वो वैसे पेशेंट्स या फिर न्यूबॉर्न्स पे हम उसे यूज नहीं कर सकते, पर ये वैक्सीन हम किसी पर भी यूज कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म भी है। फोर्थ टाइप इज टॉक्सॉइड वैक्सीन। इस वैक्सीन में जर्म्स ने क्रिएट किया हुआ वह टॉक्सिन यूज किया जाता है, मतलब इस वैक्सीन में ना ही जर्म्स यूज किए जाते हैं ना ही उनके एक स्पेसिफिक पार्ट्स यूज किए जाते हैं, पर इसमें टॉक्सिन यूज किया जाता है जो कि जर्म्स क्रिएट करते हैं। तो यह वैक्सीन क्वाइट हार्मफुल है बाकी के तीन टाइप ऑफ वैक्सीन से, पर यह वैक्सीन जब उसके टॉक्सिन पर मतलब उसके जहर पर बनाई जाती है तो एंटीबॉडीज परफेक्टली उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और परफेक्टली वो रिमेंबर होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टॉक्सॉइड वैक्सीन है बाकी के तीन टाइप्स के यूज़ में। तो ये थे
टाइप्स ऑफ वैक्सीन पर साइंटिस्ट और टाइप्स ऑफ वैक्सीन पर भी रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें से डीएनए वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इजी टू मेड एंड इनएक्सपेंसिव टू मेड है, साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग और इफेक्टिव वैक्सीन है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के ऊपर। देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन से क्रिएट होती है, मतलब ये एक आपकी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है कि एंटीबॉडीज तैयार करना और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना। पैसिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जो आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन देती है, पर ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी में क्रिएट नहीं होती। इसके लिए आपको इंसुलिन ग्लोबुलिन जैसे आउटर प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं। इन प्रोडक्ट्स में एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एक इम्यून पर्सन से ली जाती है, तो एक क्विक प्रोटेक्शन है किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ। जहाँ तक कि एक्टिव इम्यूनिटी कुछ हफ्ते लेती है अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पर पैसिव इम्यूनिटी एक क्विक प्रोटेक्शन है पर ये एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी में तैयार नहीं होती। पैसिव इम्यूनिटी हार्डली फ्यू वीक्स टू और फ्यू मंथ्स का एग्जिस्ट करती है, उसके बाद आपको फिर से ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। पैसिव इम्यूनिटी न्यू बॉर्न्स, कैंसर पेशेंट्स या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको एक डिसीज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। तो ये थे डोर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सो दैट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर ड्यूरिंग दिस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज ऋषिकेश तागवादे फ्रॉम 7 मीटर प्लस साइनिंग आउट।